हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ इंडियन मदर। आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थान की मशहूर मावा कचौरी, जिसे आप होली में या रमज़ान में भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ सूखे मेवे लिए हैं, जिसमें कागजी बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश है। इन सभी को बारीक चॉप कर लें। आप यहाँ पर कोई भी मेवे ले सकते हैं, नारियल, खुरमा, जो आपको पसंद हो, कम बेसी कर सकते हैं। अब एक पैन में एक चम्मच घी ले और उसमें 250 ग्राम मावा डालें। मावे को हमें अच्छे से भून लेना है। हमें मावे को बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। जब तक मावा भुना रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी में 1/2 कप पानी डाला है। आप किसी भी प्याले से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। हमें चाशनी को एक तार तक पकाना है। चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मावा को देखते हैं। मावे को हमें बिल्कुल धीमे आंच पे ही भूनना है। ये ड्राई हो चुका है, इसे और थोड़ा देर हम भूनेंगे। मावा अब अच्छे से भुना चुका है, तो इसे अब हम एक साइड पे रख। मावा में चीनी और मेवा मावा के ठंडे होने के बाद ही डालेंगे। तब तक हम इसका डो तैयार करते हैं। डो के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। इसमें 3 चम्मच घी और 1/2 चम्मच मैंने हरी इलायची और सौंफ का पाउडर डाला है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और इसमें 2 से 3 चुटकी नमक डालेंगे, ताकि इसका टेस्ट इन्हेंस हो सके। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मुट्ठी में दाब के देखेंगे, इसका मोयन बिल्कुल सही है। अब इसे नॉर्मल पानी से हम अच्छे से इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। कचौरी का डो कभी भी ज़्यादा टाइट नहीं बनाना चाहिए, उससे हमारी कचौरियाँ सही नहीं बनती हैं। समोसे का डो आपको हमेशा टाइट बनाना चाहिए और कचौरी नॉर्मल। डो बिल्कुल बन के रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लेके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। डो को 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, जब तक हम अपने मावा में सब चीज़ मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून शुगर और जो भी ड्राई फ्रूट मैंने कट किया है वो सब डाल रही हूँ। इसी में से थोड़ा सा पिस्ता और काजू बचा के रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। अब इसमें 1 चम्मच हरी इलायची और सौंफ का पाउडर डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, मीठे का टेस्ट दोगुना हो जाता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखें, मावा ठंडा हो जाए तभी ये सब चीज़ों को मिक्स करना है। डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसका पेड़ा बनाते हैं। आप अपने मनपसंद आकार की कचौड़ियाँ बना सकते हैं। मैं थोड़ी बड़ी बड़ी कचौड़ी बनाऊंगी। सभी लोई को अच्छे से बना लें। फिर इसे किनारे से हम थोड़ा पतला करेंगे, बीच का पोर्शन जो है वो मोटा ही रहेगा। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। इसे दाब दाब के ही भरना है। बीच में 2 चम्मच मैंने यहाँ पे फिलिंग डाली। आप कम या बेसी कर सकते हैं। इसे बिल्कुल अच्छे से बंद कर देंगे। आप चाहें तो हल्का हल्का पानी अप्लाई कर दें, तो ये और अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही हम अपनी सभी कचौड़ियों को रेडी कर लेंगे। एक पैन में घी या रिफाइंड तेल को हम गर्म करेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लोई को तलहत्ती पर रख कर इसे हल्का हल्का दाबते हुए
थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आप चाहें तो इसे बेलने से भी कर सकती हैं, मैं हाथ से ही कर रही हूँ। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हल्के गरम तेल में इसे फ्राई होने के लिए डालेंगे। इसी तरह हम सभी कचौरियों को हाथ की मदद से दाबते हुए फ्राई करने के लिए तेल में डिप कर देंगे। ये धीमी आँचों पे 10 से 15 मिनट इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए ये खुद फूलकर तेल में ऊपर तैरने लगी। कचौरियाँ बिल्कुल फूल चुकी हैं और इनका बिल्कुल खूबसूरत वाला गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इन्हें हम तेल से निकाल लेंगे और फिर दूसरी कचौरियों को फ्राई करने के लिए हम बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ तेल में डिप करेंगे। जब कचौड़ियाँ थोड़ी ठंडी हो जाएं तब इन्हें शुगर सिरप में डिप करके 5 से 10 मिनट छोड़ दें, तो 4 बार उलट पलट कर दें। आप इसे फ्रिज में 15 से 20 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब खाने का दिल करे शुगर सिरप गरम करें, उसमें कचौड़ियों को डिप करें और टेस्टी कचौड़ियों का मज़ा लें। सर्व करते टाइम इसे पिस्ता, काजू और बादाम से गार्निश करें और इस पर चांदी का वर्क भी लगा दें। तो लीजिए बन के तैयार है एक और होली और रमज़ान स्पेशल डिश। इसे होली और रमज़ान में बनाकर एंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।